किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। नींबू की बागवानी, जी हां, आज हम आपको बताएंगे जो हमारे नींबू और लेमन के पेड़ हैं उनमें हमने खाद प्रबंधन किस प्रकार किया है। तो आइए देखते हैं कि हमने खाद प्रबंधन किस प्रकार किया। अब ये देखिए, ये मेरा लेमन का पेड़ है जिसकी मैंने कटिंग कर दी है, ये देखिए, और इसमें जो है आपका, ये देखिए, मैंने आपको बताया था खालिद भाई के वीडियो में बताया था कि ये जगह मैंने छोड़ दी है, इसकी ये हटा दो सारे हरा घास, और ये मिट्टी चढ़ा दी है इस पर मैंने। क्यों चढ़ाते हैं मिट्टी, इसका जो है कारण खालिद भाई ने बताया था अपनी वीडियो में। और इसमें मैंने एक करीब 15 किलो के करीब खाद मैंने डलवाया, देखिए कितना अच्छा थाला बनाया है इन्होंने। अब इसके ऊपर हमने, ये देखिए, ये हमारा खाद है जिसमें हमने ये डाई है, और प्रति पौधा लगभग 80 ग्राम डाई और 20 ग्राम जो फास्फोरस है, वो पोटास है 0050 वाला, वो मिलाया है, और लगभग 40 ग्राम माइक्रोराइजर मिलाया है। तो ये सब हम प्रति पौधा देंगे और इस खाद में मिला देंगे। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं पहले कि किस प्रकार ये हमने नाप लिया है इसमें, ये एक ढक्कन में, और इस तरह इसके चारों तरफ डालेंगे। ये देखिए, ये चारों तरफ डाल दिया इसमें। अब इसको अच्छी तरह से खुरपे से मिला देंगे, ये आप देखते रहिए, ये अच्छी तरह कि ये नीचे तक चली जाए अच्छी तरह। ये देखिए, ध्यान रहे तने से 4 से 6 इंच दूर, और जहाँ तक इसकी कैनोपी है वहाँ तक थाला बनाना है और इसे अच्छी तरह मिला देना है मिट्टी में, और मिट्टी ढक भी दो थोड़ी सी ऊपर से। ये देखिए, ये इस तरह से, ये देखिए, ऊपर हल्की हल्की मिट्टी भी कर दी हमने ये इसमें, और अब इसमें हम इसके बाद पानी लगाएंगे, ड्रिप से पानी लगाएंगे। इसी प्रकार ये अच्छी तरह इसमें मिलाकर, और हल्की हल्की हल्की, थोड़ा सा रहने दो बाहर को, ये देखिए, ये हो गया हमारा खाद का प्रबंधन। पौधे को सहारा देने के लिए, ताकि सीधा रहे, हमने देखिए एक डंडी भी बांधी है, और आप देखेंगे कि पौधा कितना सीधा है। चलो अब मैं आपको ये पूरी लाइन दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पौधे में ये खाद है और इसमें डाल दिया है, अब ये इसमें मिलाते रहेंगे। ये देखिए, इस पौधे में ये पूरी लाइन देखिए मेरी, ये जो छोटी वाली है ये नींबू की लाइन है, ये देखिए, ये बीच में जो घास था, ये देखिए, ये हमने घास जो है ये हमने अपना छोटा रोटावेटर जो F300 है वो चलाकर ख़त्म कर दिया, और ये देखिए हमने कितना साफ सुथरा खेत लग रहा है। अब हम इसमें दो काम करेंगे, खाद के बाद में जो खाद डाला है आप प्रत्येक पौधे को देखिए, ये देखिए पूरा कितना अच्छी लाइन लग रही है, ये देखिए पूरी लाइन। अब इसमें हमने अपने टीलर से बुहाई भी कर दी है, और हम जब ड्रिप द्वारा पानी देंगे तो बीच में हम इसमें उड़द की फसल लेंगे, ये जितनी जगह बची है इसमें सब में हम उड़द की फसल लेंगे। ये देखिए इस प्रकार। किसान भाइयों, जैसा खालिद ने बताया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बार बार इतने सवाल पूछते हैं लोग, और बार बार बताना पड़ता है, कटिंग ध्यान से करिए, पौधे को हमें ऊपर की ओर ले जाना है, और उसका थाला बनाइए। थाले में देखिए, हमने ये जो मिट्टी चढ़ाई हुई है ये छोड़ी हुई है, और अगर आपका पौधा तिरछा है तो उसे लकड़ी का सहारा अवश्य दीजिए, और इस प्रकार ये खाद डालिए। अब इसमें आप देखेंगे कि 10 दिन के अंदर ही इसमें फुटान शुरू हो जाएगी, जब हम देंगे, देखिए हमने कटिंग की थी और इसमें ये नए पत्तियाँ निकलनी शुरू हो गई, ये देख लिए, ये देखें नई पत्तियाँ निकलनी शुरू हो गई, ये देखें नई पत्तियाँ हैं,
एक चीज मैं और बताऊंगा, ये जो जहां तक कटिंग की है तो ये जो ये मॉल हैं जो चली हैं कल्ले चले हैं, इनको आपको हटाते रहना है। और ये ध्यान रखिए कि कहीं भी जख्म ना बन पाए, तो इनको हटाते रहना है, क्योंकि ये आपकी बढ़वार को रोकेंगी। तो इनको हटाते रहना है ताकि जितनी भी एनर्जी है वो पौधे को ऊपर की ओर मिले। और आप ध्यान से देखें, सब जगह इसमें फुटान हो रहे। किसान भाइयों, इस प्रकार आप भी करिए अपने नींबू और लेमन के पौधों की देखभाल। ध्यान रखिए, पौधों को सेब देने का समय है, 2 साल तक आपको इनकी बहुत देखभाल करनी है और ध्यान से करनी है। खाद देना है, खाद देने का समय फरवरी और अगस्त, जनवरी का अंत, फरवरी 15 तक या 20 तक आप अवश्य दे दें और इनमें पानी लगाइए। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।